आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक जो विशेष बात अब मैं आपको इंडिफरेंट के बारे में बताने जा रहा हूं, इसको जरा बहुत विशेष तौर पे आप लोग सुनिएगा, ध्यान रखिएगा। एक तो ये कि इंडिफरेंट में हम ऐसे कामों की बात तो करते ही हैं जहां पे हम किसी के रूटीन की बात करते हैं, साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पे हम उन कामों की भी बात करते हैं जो काम बीते हुए समय में कंप्लीटली पूरी तरीके से समाप्त हो गया हो और उसका प्रभाव वर्तमान में ना। यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चे जो टेंस टॉपिक पहले से पढ़े होंगे वो सरप्राइज्ड होंगे कि सर ये तो कहाँ पे किया जाता था, पास्ट परफेक्ट में, बट नहीं, अभी डिटेल में मैं जाऊँ जब आऊंगा इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल इतना याद रखिए कि पास्ट इंडिफरेंट भी एक ऐसा टेंस है जहां पर हम ऐसे कामों को रिप्रेजेंट करते जहां पे कोई काम कंप्लीटली फिनिश हो गया हो और उसका प्रभाव वर्तमान में ना हो, जैसे कि ट्रेन